बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी फर्स्ट ईयर का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। पहला केस हमारे पास है कि वेन टू साइड एंड वन एंगल्स आर गिवन। ये हम एरिया का फार्मूला उसको अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दो साइड और एक एंगल गिवन। वो क्या है? डेल्टा हम शो करते हैं एरिया को 1/2 ए बी। देखिए अगर आपके साइड ए बी होगी आपके पास तो एंगल गैमा होगा, साइन गैमा। इसी तरह अगर आपके पास साइड ए सी है तो एंगल बीटा, क्योंकि यहाँ बी मिसिंग है ना, तो बी का ऑपोजिट एंगल क्या होता है? बीटा। यहाँ कौन सी साइड मिस है? सी, तो सी का ऑपोजिट एंगल गैमा। तो इसी तरह 1/2 बी सी, यहाँ कौन सी साइड मिसिंग है? ए, तो कौन सा एंगल आ जाएगा? अल्फा। तो हमारे पास जो डेल्टा है, डेल्टा शो करता है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। हमारे पास प्रूफ है इसका। हमारे पास ये ओब्लिक ट्राइंगल है, हमारे पास ओब्लिक ट्राइंगल ए बी और सी। मैंने सी से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये हमारे पास भी राइट ट्राइंगल बन जाएगी और ये भी हमारे पास एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो मैंने बताया था एक वाला एंगल अल्फा बटरफ्ल एंगल और बी वाला बीटा और सी वाला एंगल हमारे पास गैमा। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस बटरफ्ल नाम ले लेते हैं डी। जो हाइट है वो क्या है हमारे पास? एच। तो ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। तो लिखें लेफ्ट ए बी सी बी आ ओब्लिक ट्राइंगल, ओब्लिक ट्राइंगल। अब आप देखें हमारे पास जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है सी डी, सी डी परपेंडिकुलर हमने किस पे ड्रा किया है? ए बी पे। तो लिखें ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सी डी टू साइड ए बी। देखिए मैंने सी डी परपेंडिकुलर किस पे ड्रा किया? ए बी पर। तो अब आप नोट करें जो हमारे पास मैयर, देखें मैयर ए बी, ये वाली साइड हमारे पास ए बी किसके बराबर है? सी के। मैयर साइड ए सी, ए सी हमारे पास साइड किसके बराबर है? बी के। और मैयर साइड बी सी हमारे पास है ए के इक्वल। अगर यहां पे गौर करें तो ये वाली ट्राई हमारे पास क्या है? राइट ट्राइंगल। ये वाली ट्राई ट्राइंगल हमारे पास क्या है? राइट ट्राइंगल। कौन सी बनती है ये? सी ए डी, इन राइट, इन राइट ट्राइंगल सी ए डी। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप एरिया फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका क्या फार्मूला है? 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो देखें अगर आप वर्ड पर फोकस करें, बेस हमें गिवन है कि हमारे पास सी है, हमने क्या फाइंड करनी है? हाइट एच। तो लगाएं, आपको पता है कि 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। और देखें मुझे परपेंडिकुलर मैंने फाइंड करना है और हाइपोटेनस हमें बी क्या है? गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसकी रेशियो होती है? साइन की। तो लिखें साइन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो देखें यहां परपेंडिकुलर क्या है? एच, और हाइपोटेनस यहां पे क्या है? बी। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करें, एच हमारे पास आएगा बी साइन अल्फा। अब ये वाली ट्राइंगल सॉल्व करें, राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल कौन सी? सी
बी डी ये वाला ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल सी बी डी। तो देखें 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब साइन बीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखें यहां पे परपेंडिकुलर क्या है आपके पास एच, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है ए। इसको आप इधर मल्टीप्लाई करें, एच की वैल्यू क्या आ गई ए इंटू साइन बीटा। देखिए ये भी एच की वैल्यू मैंने फाइंड की है, और ये भी किसकी वैल्यू है एच हाइट की। अब हम एरिया फाइंड करेंगे, तो मैंने बताया था कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे शो करते हैं डेल्टा से 1/2। तो देखिए हमारे पास जो बेस है, बेस वो क्या है ए, देखें ये हमारे पास बेस है ए बी, और जो सॉरी ये सी है बेस, इसको क्लियर करें भी, बेस हमारे पास ए बी क्या है सी, यहां से लेकर यहां तक जैसे हमारे पास क्या सी, देखें ए बी हमारे पास क्या है सी। तो देखें बेस हमारे पास क्या आ गया सी, और हाइट हमारे पास क्या है बी साइन अल्फा। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास बन गया 1/2 बी सी साइन अल्फा। देखें मैं तरफ 1/2 बी सी साइन अल्फा। अब हम दूसरी वैल्यू इसकी फाइंड आउट करते हैं, दूसरी वैल्यू इसकी क्या बनेगी एरिया की, अगर दूसरा फार्मूला आप यूज करना चाहें तो वो आएगा एरिया 1/2 बेस हमारे पास क्या है सी, और दूसरी हाइट हमारे पास क्या है ए साइन बीटा। तो एरिया का फार्मूला आ गया 1/2 ए सी साइन बीटा। देखिए 1/2 ए सी साइन बीटा, सिमिलरली करके आप इसका तीसरा फार्मूला आप लिख लें 1/2 ए बी साइन गामा। ये हम फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये फार्मूला हम उसी वक्त यूज करेंगे जब आपके पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 12.7, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आप देखें तो हमें दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। देखें जब आपके पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो आप यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे हम। तो डेल्टा का हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 ए बी इंटू साइन गैमा। देखिए हमें ए बी और गैमा गिवन है, तो जब ए बी और गैमा गिवन है तो कौन सा फार्मूला बनेगा, फर्स्ट फार्मूला। तो वैल्यू पुट करें, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 120, साइन गैमा की वैल्यू 150 डिग्री। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो देखें हमारे पास लेंगे साइन 150 डिग्री मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडिंग बाय 2। तो हमारे पास इसका जो एरिया आया वो 6000 स्क्वायर यूनिट। देखें इसका जो यूनिट वो कैसे लगाते हैं, यहां ए जो है ए बी लेंथ है हमारे पास यानी साइड है, और बी भी यहां पे हमारे पास लेंथ है। तो देखें दो लेंथ को हम उसी वक्त मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों के यूनिट क्या होंगे सेम, जब दोनों के यूनिट सेम होंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए का यूनिट है सेंटीमीटर में और बी का यूनिट भी क्या है सेंटीमीटर, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका यूनिट क्या लिखते हैं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों किसको शो करते हैं लेंथ को। तो यहां पे हमारे पास देखें, यहां पे भी हमारे पास दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है,
तो अभी हमारे पास जो एरिया का फार्मूला है वो भी यही अप्लाई होगा। ये फार्मूला उस वक्त भी मेरे बेटे यूज करते हैं जब दो साइड हो और एक एंगल। तो लगाएं एरिया का फार्मूला। सॉल्यूशन क्या है, ए बी गिवन है, ए बी साइन गैमा। फर्स्ट फार्मूला, ए बी हमें गिवन है और साइन गैमा, साथ क्या आएगा, वन बाई टू। तो वैल्यू रिप्लेस करें, वन बाई टू ए की वैल्यू 4.33, बी की वैल्यू 9.25, साइन गैमा की वैल्यू 56 डिग्री 44 मिनट। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, साइन 56 डिग्री 44 मिनट मल्टीप्लाई 9.25 मल्टीप्लाई 4.33 डिवाइडिंग बाय 2। तो हमारे पास जो इसका एरिया आया वो है 16.7448 स्क्वायर यूनिट। तो देखें ये जो हमारे पास, हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने डिस्कस किया और फिर हमने उसके एक्सरसाइज 12.7 में से उसके दो क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, आप जो याद रखेंगे कि ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का उसी वक्त हम यूज कर सकते हैं जब आपके पास दो साइड्स हों और एक एंगल हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था इस चैप्टर का।